तो 2019 जा चुका है और नया साल का आगाज हो चुका है। पुरानी बातों को भूलकर हम नया संकल्प और नए फैसले करते हैं, इस उम्मीद में कि ये साल हमारे लिए नए सपने, उम्मीद और आशाएं लेकर आए। इन संकल्पों की पूरा करने को लेकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ऑनलाइन टीवी पर लोग ऐसे ही संकल्प ले रहे हैं नया साल पर। आगरा और वाराणसी में लोगों ने क्या संकल्प लिया है, आइए आपको सुनाते हैं। अलविदा 2019 नव वर्ष के मौके पर यूथ क्या संकल्प लेता है। मैं इस वक्त ताज नगरी आगरा के संगे मरमरी हुस्न इमारत ताजमहल के साये में मौजूद हूँ। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, मोहब्बत की निशानी ताजमहल के साये में मौजूद हूँ और तमाम यूथ हमारे साथ मौजूद है। यूथ क्या संकल्प लेता है नव वर्ष को लेकर, उनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या संकल्प लेते हैं नव वर्ष को लेकर। कोशिश करूंगी कि इस नव वर्ष पर गरीब बच्चे जो कि स्कूल जाने में असक्षम है, उनको वहां तक जाके और उनको उनके पेरेंट्स को प्रेरित करके उन्हें स्कूल तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल सही सोच है आपकी, बिल्कुल नव वर्ष पर सही संकल्प लिया है आपने। आप बताइए आप नव वर्ष पर क्या। मैं गर्ल्स पावर के ऊपर बोलना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पे हम जितनी लड़कियों को देखते हैं कि वो अनसेफ फील करती हैं, तो मैं चाहूंगी अगर मैं आसपास जा भी रही हूँ तो अगर कोई लड़की अनसेफ फील करती है तो मैं उसको उसके घर तक पहुँचाऊंगी। बिल्कुल ठीक, आप बताइए आप क्या संकल्प लेना चाहते हैं। मैंने जो देखा है कि काफी ज्यादा गंदगी होती है अपने यहाँ पे इंडिया में, तो उसको साफ करने के लिए साफ सफाई रखेंगे और ये भी लिया है कि अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ेंगे और हमेशा दोस्ती निभाएंगे। आप बताइए आप नव वर्ष पे क्या संकल्प ले रहे हैं। नव वर्ष 2020 आ चुकी है, क्या संकल्प। जी मेरा नाम अभिषेक है और मैंने ये संकल्प लिया है कि कभी भी बुरे वक्त में अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा और साफ सफाई का जो वातावरण है उसको हमेशा बनाए रखूंगा और लोगों को ये जरूर सिखाऊंगा कि ऐसा ही माहौल साफ सफाई का हमेशा बनाए रखो। बिल्कुल, आप बताइए आप नव वर्ष पे क्या संकल्प लेना चाहते हैं। मैं ये संकल्प लूंगा जो इन लोगों ने संकल्प लिए है ना, इन संकल्पों को इन्हें याद दिलाता रहूं, क्योंकि संकल्प ज्यादातर लोग ले तो लेते हैं लेकिन उस पर काम नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये संकल्प लूंगा जो लोगों ने संकल्प लिए हैं उनके बारे में याद दिलाता रहूं, आपने ये संकल्प लिया था। आप बताइए नई साल के मौके पर आप क्या संकल्प लेना चाहते हैं। मैं संकल्प लेता हूँ, कोशिश करेंगे कि जितने भी अपने आसपास के एरिया है वहाँ पर सफाई रख सकने की कोशिश करें, लोगों को इसके लिए जागरूक करें कि अपने आसपास के एरिया सफाई रखें, तो सब 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 काम करेंगे तो हमारा पूरा आगरा जो भी जहाँ भी हम रहते हैं वो सब साफ रहेगा और दोस्तों के साथ कभी ना छोड़ें। तो बिल्कुल आपने यूथ का, आप यूथ ने जो कहा वो आपने सुना। तमाम यूथ का कहना है कि स्वच्छता पर ध्यान देंगे, गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, ये तमाम यूथ संकल्प ले रहे हैं और मैं इस वक्त ताजमहल के साये में मौजूद हूँ। तो आपने देखा कि तमाम यूथ इस बार संकल्प नई नव वर्ष पर स्वच्छता को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, स्वच्छता को लेकर संकल्प ले रहे हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। मैं स्पेशली अगर बनारस के लिए कुछ कहूँ तो मैं यहाँ पे ये बदला चाहूँगी कि लोगों में थोड़ी जागरूकता है और बनारस को थोड़ा क्लीन करें ताकि जो ये टूरिस्ट प्लेस बना आ रहा है, धार्मिक प्लेस बना आ रहा है, उसको भी कंटिन्यू रखे। ऐसा ना हो कि टूरिस्ट आए और हमारे यहाँ की जो पॉल्यूशन वगैरह फेस करके वो इनसे थोड़ी दूरियाँ बनाने लगे। हम चाहते हैं कि जितनी अटैचमेंट है अभी तक और वो बना रहे। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मतलब यहाँ पे जो अभी तक काम किया जा रहा है, मतलब इसके ऊपर, स्वच्छता के ऊपर, मुझे लगता है इसमें और ज़्यादा काम करना चाहिए। अभी भी थोड़ा अंदर में कुछ कुछ जगह है जहाँ पे मैंने देखा कि मतलब काफ़ी गंदगी है। इधर आसपास बहुत अच्छा काम हो रहा है पर वो सब जगह में मुझे लगता है और ज़्यादा काम होने से वो सब अगर थोड़ा स्वच्छता मेंटेन होता है तो बहुत अच्छी बात होगी। देखिए हम एनवायरमेंट के लिए तो चाहते हैं कि थोड़ा अवेयर हो हर लोग, और मतलब ऐसे प्रोटोकॉल तो बहुत कुछ है लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जाता है। तो हर मतलब मोदी ने बहुत सारे रूल रेगुलेशन बनाए, हर चीज़ बनाए पर उसे कुछ भी कोई जैसे होता है ना फील नहीं करता है, अपने अकॉर्डिंग उसे फॉलो करना चाहिए। तो वो चीज़ हम चाहते हैं सुधरना चाहिए, एनवायरमेंट के लिए थोड़ा लेके लोगों को जागरूक होना चाहिए। मेरा जो व्यक्तिगत संकल्प रहेगा यही रहेगा कि लोग शांति सौहार्द से रहें, उस देश में समृद्धि बढ़े और जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था एक नया हिंदुस्तान 1947 के बाद बनने का, हम चाहते हैं कि वैसा हिंदुस्तान हमारी आने वाली पुश्तें देखें और सारा विश्व देखे, क्योंकि आज विश्व पटल पर भारत एक उभरते हुए सितारे की तरह देखा जा रहा है इसको। Hi, my name is Lisa Martin and I'm from New Zealand in the Southern Hemisphere and I would like 2020 the New Year's resolution to be kindness around the globe. People being nice to each other would be really good. New Year's resolution is peace and happiness for everybody and good health.
is what we want. Lots of good health. Hello, my name's Terry. I'm from Brisbane, Australia. And my New Year's resolution is the same as Kerry's. Peace and happiness. And good peace health. It out. Do you want to say something to the India and the people of India, and what is your experience till now from India? Okay, we love India. We're having a wonderful time. It's a beautiful country with lots and lots of beautiful people. Thank you very much. Thank you for having us in your country.